जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। ये वाला स्पीकर याद है, ये देसी वुड का स्पीकर है जो अपने आपको मार्शल के आसपास क्लेम करता था डिजाइन या फिर काफी चीजें। तो इसको हमने टेस्ट किया था, 5000 से नीचे आता था, सब कुछ बताया था आपको। उसी वीडियो में मैंने कहा था कोशिश करूंगा मैं, अगर आप कमेंट बताओगे, इसी रेट पे एग्जैक्टली एक दो ब्रांड के स्पीकर ऑर्डर करके वीडियो भी दे सकता हूँ। तो टारगेट सिंपल था भाई, 5000 से नीचे नीचे मुझे स्पीकर चाहिए था ब्लूटूथ वाला। तो अमेजोन से जब मैंने चेक किया तो एक बोट का स्पीकर मुझे मिला और एक मिला मुझे जेब्रोनिक्स का स्पीकर। तो मैंने ऑर्डर कर दिया, एग्जैक्टली 4500 सेम प्राइस पर मिले मुझे दोनों। मैं जेब्रोनिक्स का आज अमेजोन पे चेक कर रहा था, 4000 से नीचे मिल रहा था। ये बोट वाला ये भी ऐसे प्राइस 4000 रुपए से नीचे भी आते हैं कई बार, 3800 3900 के आसपास भी। थोड़ा आप स्मार्टली चेक करना। मैंने गलती से ये बोट वाले दो मंगा दिए थे, मेरे को 9000 का पड़ गया। कोई नहीं, इसी वीडियो से पैसा निकालूंगा। आप व्यूज दोगे तो मेरा पैसा वापस आ जाएगा, सब्सक्राइब करोगे तो मैं और वीडियो लेकर आऊंगा। जेब्रोनिक्स जेब साउंड फीस्ट 500 स्पीकर, इसके साथ ऑक्स केबल है चार्जिंग के लिए टाइप ए टू टाइप सी केबल। और दूसरा स्पीकर हमारे पास ये बोट वाला है, बोट स्टोन 1450। यहाँ पर स्पीकर है सेम, एक ऑक्स केबल और एक टाइप ए टू टाइप सी। भाई ये दो के दोनों स्पीकर ना साइज वाइज काफी अलग है, लेकिन बहुत सारे चीजें सिमिलर है इनमें। दोनों की जो बिल्ड क्वालिटी है, प्लास्टिक मटेरियल है जेब्रोनिक्स के अंदर। ये फ्रंट में जो ग्रिल देख रहे हो ना आप, ये मेटल का है, बाकी प्लास्टिक है। और बोट स्पीकर में क्या बोलेंगे इसको, जालीदार कपड़ा, तो एक सॉफ्ट सा क्लोथ मटेरियल है जिसको यहाँ शुरू करके ऐसे पूरा घुमा रखा है। दोनों के अंदर ये ऐसे हैंडल दे रखा है, कहीं पे ले जाओ आप। जेब्रोनिक्स के अंदर बस यहाँ पे भाई अलग से पॉइंट दे रखा, ट्रैप वगैरह लगा के आप इसको टांग सकते हो। और दो के दोनों प्रोडक्ट में एक चीज मुझे अच्छी लगी, जो फिट एंड फिनिश है ना भाई, अच्छा है। मतलब दिखने में यहाँ पे ऐसा नहीं लगता कुछ चीप सा बना रखा। यही चीज मैं देसी वुड वाले स्पीकर जब मैंने टेस्ट किया था, मैंने फीडबैक दिया था कि प्रोडक्ट चाहे 500 का हो चाहे 5000 का, फिनिशिंग बहुत जरूरी था। बोट वाला ऑन होने पे कैसा आता है, बूम की आवाज आई, ब्लूटूथ मोड बोलेगा और कनेक्ट होगा, टूम करके आवाज आती है। जेब्रोनिक्स वाला फुल चिल्लाएगा, चुप हो जा। जेब्रोनिक्स वाला, जेब्रोनिक्स फॉर लाइफ, ब्लूटूथ मोड, सेट साउंड फीस्ट 500 इज नाउ कनेक्टेड। जैसे मैंने कहा ना, काफी हद तक चीजें सिमिलर है। ये ऐसे ओपन होता है, पोर्ट्स इसके जो है बोट में दिखेगा, इसके पोर्ट्स ओपन होते हैं। और दोनों में सिमिलर पोर्ट है, ऑक्स केबल के लिए, टाइप सी चार्जिंग के लिए। और दोनों के अंदर यूएसबी ए पोर्ट है, लेकिन सैडली इनमें यूएसबी पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं आप, पावर दे सकते हैं, पावर बैंक की तरह सामने वाले फोन को चार्ज कर सकते हैं, जबकि होना चाहिए था। दोनों में मिसिंग लगा मुझे, मैंने चेक किया, नहीं प्ले हुआ। और एक एक्स्ट्रा चीज मिलती है आपको जेब्रोनिक्स में, आप एक्सटर्नल एसडी कार्ड लगा सकते हो। और आईपी रेटिंग में भी दोनों सिमिलर है, IPX5, तो पानी के छींटे वगैरह से बचाएगा, पानी में डुबाना नहीं है। और दोनों ब्रांड एक दूसरे से इतना कंपटीशन करते हैं भाई, लिखने का जो फॉन्ट है ना वो बदल दिया, लेकिन यहाँ भी ऐसे लिखा हुआ है। और स्पीकर के सामने सामने ये जेब्रोनिक्स और जो बोट लिखा है ना, इनके ऊपर ये सेम मटेरियल है, ये मेटल के ऊपर एक टेक्सचर की फॉर्म में ब्रांडिंग की गई है। बाकी दोनों में आरजीबी लाइट मिल जाएगी। जेब्रोनिक्स के अंदर फ्रंट में दो रिंग शेप में लाइटें हैं, ये अलग अलग कलर से ग्लो करती हैं। और बोट के अंदर साइड में लेफ्ट और राइट साइड यहाँ लाइट ग्लो करती है, ये भी अलग अलग कलर में ग्लो करेगी। और बटन का फंक्शन सिमिलर है, ये है पावर ऑन के लिए, तो ये ऑन हो गया, ये TWS मोड है। अगर सेम कंपनी के दो स्पीकर हो, दोनों को आपस में जोड़ देता है ये, और ज्यादा लाउड बजा सकते हो। इस बटन को ऑन ऑफ करने से बेस थोड़ा कम होता है, बेस थोड़ा ज्यादा होता है। ये एंड्रॉइड फोन से गूगल असिस्टेंट और आईफोन से है सीरी कंट्रोल करने के लिए। ये आरजीबी लाइट को ऑन ऑफ करता है, इससे देखो मैं इसे ऑन कर सकता हूँ, ऑफ कर सकता हूँ जैसे ही मेरी जरूरत हो। और ये वॉल्यूम को कम ज्यादा करने के लिए। एग्जैक्ट सिमिलर बटन्स जेब्रोनिक्स में भी मिलते हैं। और ऊपर यहाँ छोटा सा माइक भी है, ये कॉलिंग फंक्शन के लिए, आप बात भी कर सकते हो। ये सिमिलर बोट में भी है, बट वो माइक का होल दिखाई नहीं देता कहीं पे, क्लोथ सा पहना रखा है ना जो इसके नीचे कहीं पे होगा। और मैंने दोनों को टेस्ट किया। हेलो हर्षित, से हाय टू माय सब्सक्राइबर्स। हाय गाइस, सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड्स। आवाज सही आ रही है ना? हाँ, मस्त आ रही है। आराम से 2-3 मीटर तक आप घर में बात कर लोगे। दोनों के अंदर ब्लूटूथ 5 है, दोनों IPX5 रेटिंग के साथ आते हैं। बोट स्पीकर का वेट थोड़ा कम है, छोटा है, 2 kg के आसपास। वहीं पे जेब्रोनिक्स 2.6 kg के आसपास। जेब्रोनिक्स की वेबसाइट पे लिखा हुआ ओरिजिन चाइना है, बोट वालों ने लिखा नहीं ऐसा कुछ, टेक्स्ट को देख के लगता है एक ही जगह बने होंगे। बाकी भाई बोट के स्पीकर में ऑफिशियल वेबसाइट में मेंशन है 3600 mAh की बैटरी, लेकिन जेब्रोनिक्स ने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। आउटपुट मेंशन है, बोट का कहना है 5 आवर्स के आसपास चलेगा, और जेब्रोनिक्स का कहना है 50% वॉल्यूम पे 9 आवर्स के आसपास चलेगा। पर मुझे नहीं लगता है 9 घंटे चलेगा, मुझे ज्यादा लग रहा है जेब्रोनिक्स वालों ने
ज्यादा लिख दिया भावनाओं में आके। बोट वाला लगभग 4.5 घंटे में चार्ज होता है, ज़ेब्रोनिक्स वाला लगभग 3.5 घंटे में चार्ज होता है। बाकी दो के दोनों भाई हाई रेज ऑडियो वगैरह को सपोर्ट नहीं करते। जिनका बजट 5,000 तक है, ब्लूटूथ स्पीकर चाहिए, सीधा फोन लाए, कनेक्ट किया, गाना चलाया, बजाने लग गए। लाइक जैसे मैं भाई का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो। दोनों में सामने स्पीकर मिलेगा, साइड में ये बूफर वाला काम करेगा। अब इनको देख के मुझे पता है आपके मन में क्या आ रहा है। ऐसे अगर इसमें पानी डालें और फिर इसको बजाएं, दोनों में आप इस तरह से टाइम पास कर सकते हैं, पानी अंदर नहीं जाता। बाकी मैं ऐसे दिखा रहा था, ये सब नहीं करना चाहिए रोज रोज, क्या मतलब है। थोड़ा साउंड एंजॉय करो आप, फिर मैं बताता हूँ कौन कितना बेटर है। अकेली न बाजार जाया करो, अकेली न बाजार जाया करो, तुम आई ना जो देखो संभल के देखो। Why do you want me? Why do you let me know? Let me baby down so low, but you broke me on the phone. पर्टिकुलर में दोनों लाउड है काफी, लेकिन ज़ेब्रोनिक्स वाला ज्यादा लाउड है, ज्यादा बेस है। रीजन ये है कि ज़ेब्रोनिक्स के अंदर 70 वोट का स्पीकर है 86 mm ड्राइवर के साथ, और बोट में 40 वोट का स्पीकर है 76 mm ड्राइवर के साथ। बोट के अंदर जैसे इंडोर में काफी अच्छा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आउटडोर में लाउडनेस कम महसूस होगी, बट जो ऑडियो क्वालिटी है थोड़ा मतलब ट्रेबल वोकल्स जैसे मूवी देख रहे हैं, यानी कि ऑडियो क्लैरिटी थोड़ा बेटर कहना चाहूंगा। लेकिन ज़ेब्रोनिक्स के अंदर इंडोर भी लाउडनेस तो डेफिनेटली उससे ज्यादा है, तो ज्यादा ही रहेगी, आउटडोर भी आपका अच्छा काम चला देगा, और बेस और लाउडनेस ज्यादा है इसके अंदर। पार्टी उटी करना हो इस तरह के अगर यूजर हो आप, लाउडनेस चाहिए, मजा आना चाहिए, मतलब बेसिकली ज्यादातर लोग ऐसे सोचते हैं, मुझे पता जिस तरह के यूजर खरीदते हैं। सो ज़ेब्रोनिक्स ज्यादा बेटर फील करा देता है। ये दिखने में थोड़ा स्टाइलिश लग सकता है, ये थोड़ा पार्टी बूम बॉक्स टाइप लगता है, और बूम बूम आवाज भी करता है। इनके बदले में जब इसको बजाओ ना देसी वुड, तो फिर से मैं कहना चाहूंगा जैसे लास्ट वीडियो मैंने कहा था भाई इतना मुझे अच्छा नहीं लगा, सिर्फ ये डिजाइन में जैसा मर्जी हो रेट्रो लुक देता है, बट आउटपुट में ये बोट से भी बुरा है और ज़ेब्रोनिक्स से भी बुरा है। तो और कोई स्पीकर आपके मन में हो आप रिप्लाई कर सकते हो, बस इस वीडियो में भाई मुझे तो अच्छा लगा ये ज़ेब्रोनिक्स वाला। दोनों स्पीकर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, अमेज़न का। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।